हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आप एक पोको X3 प्रो डिवाइस के यूजर्स हैं तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली पोको X3 प्रो डिवाइस के लिए 12.5 का एनहांस्ड एडिशन का अपडेट, जिसका वर्जन है 12.5.5.0, जो कि फाइनली देखेंगे फुल्ली पब्लिकली रोल आउट होना चालू हो चुका है। वैसे दोस्तों ये जो अपडेट है, आपको पता है कि 5-6 दिन पहले से रोल आउट होना चालू हो गया था, बट आज से देखेंगे सभी यूजर्स के लिए ये जो अपडेट है रोल आउट करना चालू किया है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के बाद आपके पोको X3 प्रो डिवाइस में यार काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो टूल बॉक्स का फीचर है, उसके बाद आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको बैटरी में परफॉर्मेंस मोड का भी फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। एंड बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक पोको X3 प्रो डिवाइस के यूजर से हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोको X3 प्रो डिवाइस के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने अपने पोको X3 प्रो डिवाइस में 12.5.5.0 का लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल किया है। एंड दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट मिले थे कि इस अपडेट के बाद पोको X3 प्रो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है या फिर डेड हो रहा है, बट दोस्तों कुछ यहाँ पर 3 से 4 बंदे के यहाँ पर देखेंगे ब्रेक हुआ होगा, बट मुझे तो ऐसा कोई भी बग्स एंड प्रॉब्लम्स तो देखने को नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में। एंड दोस्तों, अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे जो वर्जन है 12.5.5.0 है। एंड दोस्तों, एक एनहांस एडिशन का अपडेट है, काफी सारे लोगों के यार कमेंट आते रहते कि जो अपडेट है एनहांस एडिशन का है कि नहीं है, बट दोस्तों एनहांस एडिशन का अपडेट है, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स आपको एनहांस ही मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, चेंज लॉग में देखेंगे तो चेंज लॉग में कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों वर्जन देखेंगे 12.5.5.0 का वर्जन, एंड नीचे के साइड में देखेंगे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि 1 अक्रम मतलब कि नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद चेंज लॉग फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लॉक स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ग्लांस फॉर MIs फीचर के बारे में। मैक्सिमम दोस्तों काफी सारे यूजर्स का देखेंगे एनहांस एडिशन के बाद ग्लांस फॉर MI का जो फीचर्स है यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनहांस एडिशन के बाद आपको जो ग्लांस फॉर MI का फीचर्स है काफी वेल तरीके से वर्क कर रहा है। एंड दोस्तों बात करेंगे इसमें और भी काफी सारे यहाँ पर कैटेगरीज एड किए गए, एंड कैटेगरीज को एड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन पर काफी सारे वॉलपेपर्स, उसके बाद जो आर्टिकल्स है काफी सारे आपको आर्टिकल्स न्यूज मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आपको लॉक स्क्रीन पर ही गेम खेलना है तो काफी सारे गेम्स यहाँ पे एड किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पोको फोन्स के सबसे मेजर इश्यूज के बारे में, जो कि इसका ब्राइटनेस का इश्यूज। दोस्तों इसमें देखेंगे 12.5 के बाद काफी सारे अपडेट्स मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों अपडेट मिलने के बाद भी देखेंगे आपको जो 120 हर्ट्ज में जो ब्राइटनेस के इश्यूज है वो आपको इस फोन में बार बार देखने को मिल जाता है। पहले दोस्तों काफी ज्यादा था, बट इसमें देखेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट कम हो चुका है, बट 100% अभी तक देखेंगे ब्राइटनेस का जो इश्यूज है अभी तक फिक्स नहीं हो चुका है, क्योंकि दोस्तों 50% ब्राइटनेस या फिर जो कम ब्राइटनेस अगर आप सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो ब्राइटनेस अचानक से कम हो जाता है, फिर से फोन को अनलॉक करने के बाद आपको जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर वर्क हो जाता है। मतलब दोस्तों आप देखेंगे आपको जो ब्राइटनेस लेवल है कम हो जाता है अचानक से, फिर यहाँ पर लॉक हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी तक यार किसी भी फोन में देखेंगे पोको की तरफ से फिक्स नहीं हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ ऑप्टिमाइजेशन एंड UI चेंजेस के बारे में, जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे, एंड वाइब्रेशन के अंदर जाने के बाद आपको जो एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद जो भी फंक्शंस के मेन्यू है उसका बस नाम है या फिर टेक्स्ट या फिर चेंज किया है। मतलब दोस्तों पहले आपको शॉर्टकट नेम थे, जैसे कि आपको डिलीट स्क्रीनशॉट है, उसके बाद देखेंगे अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है एंड स्क्रीनशॉट साउंड, बट इस अपडेट के बाद देखेंगे आपको प्लेस ऑन वाइल्ड टेकिंग स्क्रीनशॉट, प्लेस ऑन वाइल्ड अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड प्लेस ऑन वाइल्ड डिलीटिंग द आइटम, बस आपको इसे नाम चेंज किया है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में देखेंगे बस आपको ये थोड़ा सा UI चेंजेस किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट चेंज लॉग फीचर्स के बारे में, जो कि आपको देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में। उसके बाद दोस्तों लॉन्चर में भी देखेंगे आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो पोको लॉन्चर में आपको ऐप ड्रॉवर है उसमें भी आपको चेंजेस मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के अंदर जाने के बाद अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ऐसे दो कैटेगरी मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों अवेयरनेस के कैटेगरी में देखेंगे एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है उसको चेक करके देखेंगे, एंड
जो परमिशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन चेक करके देखेंगे, जैसे कि माइक की परमिशन से, कॉन्टैक्ट की परमिशन से, लोकेशन से, सारी परमिशन चेक करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रोटेक्शन के कैटेगरी में जाने के बाद आपके फोन में देखेंगे कौन कौन से कैटेगरी की प्रोटेक्शन है, इंटरनेट नेटवर्क की प्रोटेक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन के लिए देखेंगे प्रोटेक्शन अगर आपको सेट करना है तो सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो कि आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर मिल जाता है। वैसे दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन में मतलब कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस में देखेंगे आपको जो बैटरी सेवर एंड बैटरी के कैटेगरीज है उसमें आपको बैलेंस मोड एंड जो परफॉर्मेंस मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों अगर आपके फोन में ये शो नहीं हो रहा है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, सो ऊपर आई कार्ड पर विजिट करके उस वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं, सारी प्रोसेस मैंने बताई है। लेकिन दोस्तों अगर आपके फोन में देखेंगे ग्लोबल वर्जन इंस्टॉल्ड है तो ग्लोबल वर्जन में देखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट ही बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे दो मोड मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स बैटरी एंड सेवर के अंदर देखेंगे आपको सेव बैटरी मोड मिल जाता है, उसके बाद आपको बैलेंस मोड मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, एक लेटेस्ट में आपको एनिमेशन मिल जाता है। एंड दोस्तों हर मोड में देखेंगे आपको कितना बैकअप मिलने वाला है, जैसे कि परफॉर्मेंस मोड में आपको जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बेटर मिल जाएगा बट जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैलेंस मोड में जाएंगे तो बैलेंस मोड में जाने के बाद आपको जो परफॉर्मेंस है बैलेंस में मिल जाएगी बट जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको बैलेंस में मिल जाएगा। सो अगर आपके फोन में ये फीचर मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जैसे कि दोस्तों ऐप्स की कैटेगरी में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अनइंस्टॉल सिस्टम एप्लीकेशंस की कैटेगरी में, क्योंकि दोस्तों पोको ने कहा था कि आपको 12.5 के बाद जो सिस्टम की जो एप्लीकेशंस है उनको अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट मिल जाएगा। बट दोस्तों आप देखेंगे 12.5 के बाद 12.5 का एनहांस एडिशन का भी अपडेट मिल चुका है, फिर भी दोस्तों आपको जो सिस्टम के एप्लीकेशंस है उनको अनइंस्टॉल करने का कोई भी सपोर्ट अभी तक इसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो फीचर्स है आपको MIUI 13 के बाद ही मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको एडिशनल सेटिंग में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स मेरे पास देखेंगे 64GB का वेरिएंट एंड 64GB के वेरिएंट में देखेंगे मुझे 2GB का यहां पर देखेंगे मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल चुका है। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि एनहांस एडिशन के बाद आपको सभी फोन्स में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है, जो कि एक वर्चुअल रैम रहता है इंटरनल स्टोरेज से एक्वायर होता है, ताकि आपके जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है सारे सारे एप्लीकेशन स्मार्ट तरीके से देखेंगे आपको प्रीलोड मतलब आपको मैनेज किए जाते हैं। तो फाइनली आपके पोको X3 Pro डिवाइस में देखेंगे आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको स्पेशल फीचर में मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो टूल बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट टूल बॉक्स मतलब के साइड बार का फीचर मिल जाता है। इससे पहले दोस्तों आपको जो वीडियो टूल बॉक्स देखेंगे सिर्फ वीडियो प्लेयर में देखने को मिलता था, बट दोस्तों स्मार्ट टूल बॉक्स में देखेंगे आपको ऑलवेज शो का फीचर मिल जाता है। तो ऑलवेज शो को इनेबल करने के बाद देखेंगे होम स्क्रीन पर भी आपको ऑलवेज ऑन के लिए देखेंगे स्वाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो स्मार्ट टूल बॉक्स इस फीचर के जरिए देखेंगे किसी भी एप्लीकेशन को आप आसानी से यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जो फीचर से आपको ऑफिशियली MIUI 13 के बाद ही मिलने वाला है, बट दोस्तों अगर आपको इसी फोन में इनेबल करना है तो आप अपने फोन में जो मी सिक्योरिटी का एप्लीकेशन से APK फाइल जिसका वर्जन है 5.6.9 इसको एक बार इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपके फोन में स्मार्ट टूल बॉक्स का जो फीचर से इनेबल हो जाएगा। सो आपके फोन में ये फीचर इनेबल हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं गेम टर्बो को ओपन करने के बाद आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों पोको X3 Pro डिवाइस जो कि एक गेमिंग फोन है, तो गेमिंग फोन होने की वजह से आपको गेम टर्बो में काफी सारे फीचर्स पहले से मिल जाते हैं, जैसे कि आपको लेटेस्ट एनिमेशन मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको ग्राफिक एनहांसमेंट का फीचर मिल जाता है, उसके बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो फ्लोटिंग विंडो का फीचर है, उसके बाद आपको वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है। दोस्तों वॉइस चेंजर के साथ साथ आपको टाइमर का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों गेम टर्बो में ऊपर के साइड में देखेंगे आपको गेमिंग मोड मिल जाता है। तो दोस्तों गेमिंग मोड में देखेंगे आपको बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। वैसे दोस्तों पोको X3 Pro डिवाइस में आपको पहले से काफी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस मोड चाहिए तो परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बैटरी काफी ज्यादा डन हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर बैलेंस मोड भी मिल जाता है। एंड दोस्तों गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो 60fps तक देखेंगे इसमें आपको गेम प्ले मिल जाता है। ऑफिशियली अभी तक आपको 90fps के यहाँ पर देखेंगे गेम प्ले देखने को नहीं मिल रहा है, एंड हीटिंग इश्यूज भी आपको ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 12.5 एनहांस एडिशन के बाद आपके पोको X3 Pro डिवाइस में सेटिंग्स में बस आपको ये मेन हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों UI के बारे में बात करेंगे तो आपको जो रिसेंट पैनल है, रिसेंट पैनल में आपको जो चार शॉर्टकट्स है अभी तक चार शॉर्टकट्स नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ऊपर के साइड में देखेंगे आपको जो फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट्स है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है, बट स्मार्ट टूल बॉक्स फीचर के जरिए सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब आपका जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है, तो इस अपडेट के बाद देखेंगे 5,57,000 से ऊपर आपका जो जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है वो यहाँ पर चला जाता है। मतलब दोस्तों इस अपडेट के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट, तो इस अपडेट के बाद देखेंगे आपको जो सीपीयू थ्रोटलिंग का टेस्ट है वो भी काफी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है। एंड दोस्तों थ्रोटल के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ देखेंगे स्टार्टिंग में एंड मिड में देखेंगे दो बार यहाँ पर थ्रोटल हो गया था। इसके बाद दोस्तों कई भी यहाँ पर देखेंगे आपको थ्रोटल नहीं हो गया था, बट दोस्तों 5 मिनट के टेस्ट में देखेंगे आपको जो सीपीयू थ्रोटलिंग है वो भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पोको X3 प्रो डिवाइस के कैमरे के बारे में। वैसे दोस्तों ये जो अपडेट है कैमरे के लिए बिल्कुल भी ठीक ठाक अपडेट नहीं है, क्योंकि दोस्तों कैमरा देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मेरा जो कैमरा देखेंगे आपको फिर से जो 12.5 का एरर आया था वैसा का वैसा एरर मुझे फिर से देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार जो कैमरा यहाँ पर फोकस ही नहीं कर रहा है। आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे तो फोकस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों कभी कभार आपको जो कैमरा कनेक्ट का एरर आता है, एंड दोस्तों कैमरा कनेक्ट का एरर आने के बाद मुझे जो कैमरा का एप्लीकेशन है बार बार यहाँ पर क्लियर डेटा करना पड़ता है। वैसे दोस्तों इस अपडेट के बाद कैमरे में कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी पोको X3 प्रो डिवाइस के 12.5.5.0 अपडेट का फुल चेंज लॉग फीचर्स रिव्यू देने वाला था। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।